आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसी चीजें जिन्हें अगर आपने अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को बहुत इजी और बहुत डिलाइटफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरी डेली मील्स होती कैसी है। सो मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पॉज करके आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूड किया है मैंने इनमें। और दो या तीन हफ्ते में एक बार मैं पिज्जा भी ऑर्डर करता हूँ क्योंकि मैं नहीं रह सकता उसके बिना, बिल्कुल नहीं। भले ही मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे फिर भी अपने मील्स टेस्टी और डिलाइटफुल चाहिए ही चाहिए। सो लास्ट दो या तीन महीने से मेरी डाइट ऐसी है, बट स्टिल मैंने 22 केजी वेट लूज किया है। अब यहाँ आपको एक चीज को समझना बहुत जरूरी है और वो ये है कि मरे बिना जन्नत नहीं मिलती। अगर आप रैपिडली वेट लूज करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी फेवरेट मील्स को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस आपको करने ही पड़ेंगे, आपको कुछ चेंजेस तो अपने लाइफस्टाइल में लाने ही पड़ेंगे। ये चार चीजें मैं ब्रीफली समझाने की कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाना चाहिए इन चारों चीजों के बारे में, ताकि इनके अकॉर्डिंगली आप अपने अंदर चेंजेस ला सकें अपने वेट लॉस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपके वेट लॉस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं या फिर रोक देती हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स का एक बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली चीज है इंसुलिन। इंसुलिन हमारी बॉडी का मेन फैट स्टोरेज हार्मोन है जो कि प्रिवेंट करता है हमारे स्टोर फैट को ब्रेक डाउन होने से। सिंपल लैंग्वेज में अगर अभी आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो वो तुरंत ही शट डाउन हो जाएगा जैसे ही आपका इंसुलिन लेवल हाई जाएगा या स्पाइक होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा इंसुलिन लेवल कब स्पाइक करता है या कब हाई होता है। तो जब भी आप हाई क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर या फिर कोई भी और शुगर के फॉर्म को कंज्यूम करते हैं तब आपका इंसुलिन लेवल ब्लड में स्पाइक कर जाता है, जिसकी वजह से तुरंत ही आपका फैट बर्निंग प्रोसेस शट डाउन हो जाता है। ऑल्दो प्रोटीन से भी आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है बट रिलेटिवली कम करता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स एंड शुगर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई भी फैट बर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा अगर आपका इंसुलिन लेवल हाई है। लेकिन जब आपका ये इंसुलिन लेवल लो रहता है तब एक्चुअली ये इंसुलिन हेल्प करता है आपके फैटी सेल्स को ओपन करने में, ताकि आपकी बॉडी इन फैटी सेल्स को यूज कर पाए एज अ फ्यूल फॉर एनर्जी। सो अल्टीमेटली लाइपोलाइसिस होता है, जिसे हम आम भाषा में फैट बर्निंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर आपका इंसुलिन लेवल हाई है तो आपकी बॉडी में कोई भी फैट कटिंग प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इंसुलिन लेवल लो रहता है तो यहाँ आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्पीड अप होगा। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने वर्कआउट के एटलीस्ट एक घंटे तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर कंज्यूम ना करें। आपके वो चीज कंज्यूम करते ही आपका फैट बर्निंग प्रोसेस शट डाउन हो जाएगा। और अगर वो एक्सरसाइजेस आप कर ही रहे हो वेट लूज करने के लिए तो वो चीज नहीं हो पाएगी ऐसे। सो अगली बार से खास ख्याल रखिएगा इस चीज का कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट या शुगर खा रहे हो उस टाइम आप अपने बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हो। मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ इतना है कि आप इन चीजों को एटलीस्ट अपनी एक्सरसाइज के एक या दो घंटे बाद ही कंज्यूम करें तो बेटर रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कोर्टिसोल। सिंपल लैंग्वेज में कोर्टिसोल है हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन। कोर्टिसोल प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है हमारे विसरल फैट स्टोरेज के। अब जिस किसी को भी विसरल फैट के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं आई बटन में जाके, उस वीडियो से उन्हें आइडिया हो जाएगा कि मैं अभी किस बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल लैंग्वेज में जो भी हमारा फैट स्टोर होता है इन एंड अराउंड बेली, उसके लिए कोर्टिसोल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और कोर्टिसोल आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है फाइट और फ्लाइट वाले सिनेरियोस में, मतलब वो सिचुएशन जहां या तो आप मार लो या फिर आप भाग जाओ। तो वो सारी सिचुएशंस जिनसे आपका बॉडी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है वहां कोर्टिसोल आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो हाई स्ट्रेस लेवल में आपके ब्रेन को लगता है कि आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उस टाइम पे, इस काम को पूरा करता है कोर्टिसोल। और इस इंस्टेंट एनर्जी के लिए कोर्टिसोल आपके बाकी बॉडी सेल से ग्लूकोज लेता है और आपके ब्लड में उसे रिलीज कर देता है। और बेसिकली यहीं से सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज का मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल, अल्टीमेटली विच मींस हाई इंसुलिन लेवल। और अगर आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि हाई इंसुलिन का मतलब क्या होता है। सो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जब कोर्टिसोल इन बाकी बॉडी सेल्स से ग्लूकोज को ले लेता है तो ये बॉडी सेल्स ग्लूकोज के लिए स्टार्व करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये हंगर सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को और ये चीज फाइनली लीड करती है ओवर ईटिंग को। अब ये स्ट्रेस किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, वर्कआउट का स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। सो उस स्ट्रेस से आया हुआ प्रेशर या फिर डेंजर जब खत्म हो जाता है तो
तो आपका बॉडी कोर्टिसोल लेवल वापस से नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट रेट, आपका ब्लड शुगर लेवल सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है आपके बाकी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस, बेसिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट डिजीजेस, हेडेक्स, ट्रबल स्लीपिंग, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में है, वेट गेन। सो हाई कोर्टिसोल लेवल की वजह से हमारी बॉडी में एक कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। सो बेसिकली ये कुशिंग सिंड्रोम लीड करता है रैपिड वेट गेन, आपकी स्किन को ये सेंसिटिव कर देता है, आपकी मसल्स को ये वीक कर देता है, डायबिटीज करता है और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का यही कारण है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि एक छोटा सा स्ट्रेस भी किस तरह से हिंडर कर सकता है आपके वेट लॉस के गोल को। सो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि आप शांति रहें, और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते भी हैं जहां आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ट्राई करें कि आप जल्द से जल्द वापस काम हो जाएं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड कोर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपकी वेलबींग के लिए। सो कोर्टिसोल लेवल को स्टेबल रखने के लिए बहुत सी रिसर्चेज और स्टडीज हुई हैं जिनसे ये पता चला है कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि आपके कोर्टिसोल लेवल को स्टेबल रखने में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि बनानास, ग्रीन टी, ब्लैक टी, दही, डार्क चॉकलेट्स और बहुत से ऐसे फूड आइटम्स जिनमें सॉल्युबल फाइबर मौजूद होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन स्टडीज से ये पता चली है कि आपको रात को कॉफी अवॉइड करनी चाहिए अगर आप चाहते हो अपने कोर्टिसोल लेवल को स्टेबल रखना। और एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज जिससे आप अपने कोर्टिसोल लेवल को स्टेबल रख सकते हैं लिटरली बिना कुछ करे, वो है एक अच्छा बेड टाइम या फिर स्लीपिंग रूटीन। अच्छे बेड टाइम रूटीन के साथ ही मैं आता हूँ अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन इज अ नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन जिसे हम डार्कनेस हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि हमारे पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा बनाया जाता है हमारे ब्रेन में। बहुत सी स्टडीज ये ऑलरेडी कंक्लूड कर चुकी है कि मेलाटोनिन आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, आपके फैट लॉस के प्रोसेस को स्पीड अप करता है, यहाँ तक कि आपके मसल टिश्यूज को ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और मेलाटोनिन ही प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है हमारे सर्कैडियन रिदम के लिए। सर्कैडियन रिदम एक इंटरनल क्लॉक है जो कि हमारी बॉडी चलाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। सिंपल लैंग्वेज में सर्कैडियन रिदम एक मोटर है जो कि हमारे स्लीप और वेकअप साइकिल्स को कंट्रोल करती है, और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है एक्सटर्नल क्यूज से भी, जैसे कि सनराइज और सनसेट। तो जैसे ही सनसेट होता है वैसे ही हमारा ब्रेन स्टिमुलेट कर देता है मेलाटोनिन के रिलीज को, इसीलिए रात को हमें थोड़ी सी थकान सी महसूस होने लगती है। और मेलाटोनिन पीक टच कर लेता है मिडनाइट में जब हम सब के सब सो रहे होते हैं, अगर आप टाइम से सो रहे हो तो। एक हेल्दी स्लीपिंग रूटीन रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 या 6 बजे के बीच में ही होता है, और इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मेलाटोनिन रिलीज होता है। बहुत सी स्टडीज से ये भी पता चलता है कि मेलाटोनिन काफी हद तक अफेक्ट करता है हमारे लेप्टिन को, एडिपोनेक्टिन को और इंसुलिन लेवल्स को भी, और ये तीनों ही हॉर्मोन्स हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में बहुत मदद करते हैं। सो अच्छी स्लीप का मतलब है हाई लेवल ऑफ मेलाटोनिन, और हाई लेवल ऑफ मेलाटोनिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपकी ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन के लिए और फैट बर्निंग के लिए भी। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, ट्रस्ट मी। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आजकल के लड़कों के लिए कितनी टफ है ये बात डाइजेस्ट करने के लिए कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, क्योंकि मैं खुद रात भर पहले पबजी में लगा रहता था। बट ट्रस्ट मी, कि जब से मैंने ये पूरा पैटर्न समझा है और इसे इंप्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में, तब से मेरी लाइफ एंटायरली चेंज हो चुकी है। मैं लिटरली बयान नहीं कर सकता कि अब मैं कितना बेटर फील करता हूँ जब से मैंने ये स्लीपिंग पैटर्न्स और बाकी चीजों के बारे में सीखा है और इनको इंप्लीमेंट किया है। तो इंसुलिन से आप समझ ही चुके होंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। कोर्टिसोल से आप समझ चुके होंगे कि आपको दिन भर में कैसे रहना है और कैसे अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखना है। और मेलाटोनिन से आप समझ ही चुके होंगे कि नींद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी बॉडी कंपोजिशन के लिए और फैट बर्निंग प्रोसेस के लिए। सो बेसिकली इस वीडियो में पता चलने वाली थी आपको चार ऐसी चीजें जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप अपने हेल्थ गोल्स के लिए सीरियस हैं तो। लेकिन जब मैं इस वीडियो को एडिट करने बैठा तो मैंने पूरी कोशिश करी कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखूं, बट स्टिल ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा था क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब में दो पार्ट में, और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी टेक्निक जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं, और ये एक टेक्निक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी इन तीनों ही चीजों को अच्छे से मैनेज करने में और अपने वेट लॉस गोल्स को जल्दी से अचीव करने में। बट टिल देन अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं इन तीनों ही टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो सारे ही क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम करके वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से हेल्प करने की। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है।